आगे क्या प्लान है आपका? सनातन हिंदू राष्ट्र, और इसके आगे आप पूछोगे तो अखंड भारत भी बोलेंगे। अखंड भारत क्या है? जो पहले था। क्या था पहले? जितने देश भारत से, पाकिस्तान कहाँ था पहले? तो पाकिस्तान को तो किस देश में था? अरे हम आपसे पूछ रहे हैं किस देश में था। नहीं नहीं, हिंदुस्तान उसका हिंदुस्तान पिता है भाई, बाप है ना। हाँ, तो बस बेटे को बाप से मिलवाने का काम करेंगे। लेकिन आप तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, वो तो मुसलमान मुल्क है। उनके लिए मुसलमान है, भारत के एशिया का दुनिया का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने दिल पर हाथ रख करके अगर सच बोले ना, तो उसकी दिल में, उसके दिमाग में, उसकी रगों में रामकृष्ण का ही खून बह रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो यहाँ के थे, मेरे जो पूर्वज हैं, वो सनातनी थे। हाँ, मेरे पूर्वज सनातनी थे। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए डियर सिस्टर। मैं मेरे फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कॉन्सेप्ट इस मामले में शास्त्री जी बिल्कुल क्लियर है कि मेरी 7 पुश जो थी वो सनातनी थी। बस यही हम लोगों को कहते हैं तो लोगों को जलन होती है। लेकिन हाँ, लेकिन इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने, मेरे बुजुर्गों ने ये बात मुझे बताई है। हम शायद आपसे दूसरे प्रकार से भी बात करते, लेकिन जब आप आए ना बड़ी अदब से और आपने मंच को प्रणाम किया, तो हमने बहुत सॉफ्ट लहजे से बात की। नहीं तो हम बहुत कट्टर आदमी, और शायद ऐसे भी आदमी है कि शायद आपको आप अपना वर्क करके आए हो, वर्क कर रहे हैं, और आप अपनी ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, और शायद आपको क्रोध आता क्योंकि हम बहुत ही सनातनी कट्टर हैं, हमारी रंग रंग में और हमारे रोम रोम में। लेकिन जो आपका हमने लहजा, हम बहुत ऑब्जर्व वाले आदमी हैं, प्रवेश और फिर आपका प्रणाम करके मंच पर बैठना, ये मेरी परंपरा है। तो बस इसी परंपरा ने हमारे, मेरा मजहब जो है वो इस्लाम हो सकता है, लेकिन मेरी सनातन परंपरा जो है, हाँ, मेरी परंपरा मुझे है पता सनातन है। मैं हम तो कहेंगे आपकी घर वापसी करो। नहीं सर, वो नहीं हो सकती है। मेरे जो अब क्या दिक्कत भाई, अब रसगुल्ला खाएं और शुगर से परहेज करें। नहीं नहीं, रसगुल्ला खाने और शुगर की बात नहीं है। मेरे पूर्वजों ने जब इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं मरते दम तक इस्लाम, आप जैसे आपकी निजी आस्था नहीं है, मैं कट्टर निजी आस्था, मैं कट्टर मुसलमान, आप कट्टर सनातनी, निजी आस्था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। हमें तो दिक्कत नहीं, नहीं होनी भी नहीं, दिक्कत नहीं ना तो आप मुझे घर वापसी के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। अगर 7 पुरुषों पूर्व सनातनी हैं तो आपको आ जाना चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ, ये हमने कहा है कि भाई देखो, किसी को शुगर, रसगुल्ला खा रहे हो, शुगर से परहेज करो, सिर्फ ये बता। नहीं, मेरे पूर्वजों का फैसला मैं साथ लेकर चलूंगी, मरते दम तक लेकर चलूंगी। लेकर चलना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। अब बड़ा सवाल ये है कि हिंदू राष्ट्र आप कैसे कह सकते हैं जब हम संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। संविधान कहता है, संविधान के साथ हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, कैसे हो सकता है? संविधान का प्रथम पृष्ठ पर भगवान राम का चित्र अंकित है, तो वो परंपरा है हमारी। लेकिन हमारा जब यह परंपरा है तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं परंपरा है? जब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? तो हिंदुस्तान में तो मुसलमान भी रहते हैं, हिंदुस्तान में सिख भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही, हिंदुस्तान में बुद्ध भी रहते हैं, वो भी हिंदू ही है। वो आप मान रहे हैं ना, वो थोड़ी मान रहे हैं कि मानने ना मानने से हमें कोई मतलब थोड़ी है। संविधान थोड़ी मान रहा है सर, हम उनको संविधान कह रहा है पंथ निरपेक्ष व्यवस्था है इस देश की, इस देश की धर्म निरपेक्ष तो नहीं ना सर। धर्म तो धर्म सनातन है, धर्म को तो धर्म सनातन है, पंथ निरपेक्ष व्यवस्था, धर्म को तो आप धारण करते हैं ना, धर्म निरपेक्ष थोड़ी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों? जब एक देश एक धर्म, विश्व में एक देश एक धर्म हो सकता है, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म हो सकता, पाकिस्तान में भी हिंदू रहते हैं, बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो इस्लामिक देश हो सकता, ईसाई कंट्रियों विदेशों में भी, ईसाई देशों में भी हिंदू रहते हैं, और जब वो ईसाई देश हो सकता है तो भारत में हिंदू रह सकते हैं, तो क्या एक देश हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? इसमें किसी को नहीं, किसी को खुजली क्यों है? नहीं नहीं, इसमें खुजली नहीं है, आप संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। हम संविधान के पक्षधर हैं, हमने ना संविधान बदलने की बात की, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया है, हम संविधान के साथ हैं। अनलीगली हमने कभी ये नहीं कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम हिंदू राष्ट्र की मांग अपने ईश्वर से कर रहे हैं, और अपने ईश्वर से, इष्ट से, सनातनियों से आगाह करना भारत के संविधान के अनुसार बोलने का मौलिक अधिकार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को है, तो हम भी भारतीय व्यक्ति
सकती हैं और हमको भी अधिकार है भारत में बोलने का। हम अपनी बात अगर बोलते हो, किसी को दिक्कत है तो वो ईयरफोन लगा करके घर पर टीवी बंद करके रखे, पानी ज्यादा पिए, वरना हार्ट फेल हो जाए। नहीं, लेकिन दिक्कत तो इस बात पर है ना कि आप कानून को नहीं समझ रहे हैं। आप हम कानून के साथ हैं। हमारे संविधान ने, हमारे पूर्वजों ने संविधान स्वीकार किया। हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पक्षधर हैं। तो फिर वो जब कह रहे हैं पंथ निरपेक्ष, तो धर्म निरपेक्ष नहीं कहा ना? कैसे तो धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष? आप तो मुझसे ज्यादा इसमें जानकार है। धर्म को तो धारण, अभी आपकी पढ़ाई इसमें कमजोर। नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, धर्म को धारण कहते हैं। धर्म, धर्म सनातन, हमारे जो धर्म धारणा का विषय है, डेफिनेशन ये दी गई है, धर्म धारणा का विषय है, धर्म सनातन है, बाकी पंथ है। तो सनातन धर्म का मुद्दा हिंदू राष्ट्र है, और क्योंकि हिंदू और सनातनी में कोई अंतर नहीं, दोनों पर्यायवाची हैं, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ABP News, आपको रखे आगे।